हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युवांशु फैशन। आज मैं बनाने जा रही हूँ डिजाइनर टॉपर, जिसे आप ब्लाउज डिजाइनर ब्लाउज की तरह भी यूज में ले सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है, ब्लैक फैब्रिक लिया है और ये मैंने इसकी लाइनिंग ली है। अब हम सबसे पहले लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। मैंने अब लाइनिंग को फोर फोल्ड किया है। मैं फ्रंट और बैक हिस्से की दोनों की कटिंग एक साथ करूंगी। यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 6.5 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया है। आर्महोल भी मैंने यहाँ पर लिया है 6.5 इंच। चेस्ट की चौड़ाई ली है मैंने यहाँ पर 10 इंचेस और यहाँ पर कमर की चौड़ाई ली है मैंने यहाँ पर 9 इंचेस और यहाँ पर इसको हम मिला देंगे। यहाँ पर 1.5 इंच से आर्महोल को गोलाई देंगे। ये बैक साइड का है और 1 इंच से लेंगे हम, इसमें 1/2 इंच अंदर से लेते हुए ये फ्रंट का है। ये फ्रंट साइड का आर्म होल है और ये बैक साइड का आर्म होल है। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर नेक की चौड़ाई लेंगे 4 इंच। मैं यहाँ पर नेक की चौड़ाई ज्यादा लूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर 4 इंच ले रही हूँ। आप इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लंबाई लेंगे इसकी 7 इंच और अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमने इसको इस तरह से शेप दे दी है। मैं यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड दोनों की नेक की लंबाई और चौड़ाई सेम ले रही हूँ। आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बैक साइड वाला आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कटिंग कर दी है। ये हम इसमें से एक पीस हटा के और फ्रंट हिस्से की आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। हम फ्रंट हिस्से की आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग हमारे फैब्रिक के ऊपर करेंगे। हम इसको रखकर और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। हमें यहां पर सेम कटिंग होगी। यहाँ पर हम आर्म होल की अलग से कटिंग होगी, फ्रंट की अलग और बैक की अलग, इसलिए हम एक पीस को अलग कर देंगे और यहाँ पर फ्रंट हिस्से की कटिंग कर देंगे। ये हमारे फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है और यहाँ पर हम बैक हिस्से को रखकर बैक हिस्से की भी आर्म होल की कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट हिस्से की और बैक हिस्से की दोनों की कटिंग कर ली है। अब हम इनको ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के लिए हम लोग इसको इस तरह से रखेंगे, हमारी लाइनिंग को, जो हमारा फैब्रिक है हम इसको उल्टा रखेंगे, सीधे से बीच में आएंगे और ऊपर और नीचे की तरफ उल्टे हिस्से आएंगे। अब हम चारों तरफ इसमें सिलाई लगा देंगे। सिर्फ हमें ये नेक वाला हिस्सा है इसको छोड़ना है, बाकी के चारों हिस्से में हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगा दी है, चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करके और सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसके अंदर फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर चारों तरफ हम यहाँ पर फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे और ये जो हमारी नेक बनाई थी हम इसके ऊपर भी सिलाई करके इसको अटैच कर देंगे और चारों तरफ फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे। और अब हम इसके अंदर टस्क भी भर लेंगे साथ में, जैसे हम नॉर्मली ब्लाउज के अंदर टस्क भरते हैं, इसी तरह से हमें इसमें ब्लाउज में भी टस्क भरने हैं। इधर से लेंगे 3.5 इंच और यहां से लेंगे हम 4.5 इंच। और अब हम इसमें इधर इसको पलट लेंगे और अब हम इन दोनों के अंदर ये टस्क भी भर लेंगे और यहां पर हम फिनिशिंग सिलाई भी लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये फिनिशिंग सिलाई लगा दी है हमारी और यहाँ पर हमने ये टक्स भी लगा दिए हैं और यहाँ पर हमने नेक के ऊपर भी यहाँ पर सिलाई लगा दी है। ये हमारा बैक साइड तैयार है। अब हम फ्रंट के हिस्से को तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं फ्रंट हिस्से को प्रिंसेस कट बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से यहां से लेंगे 10 इंच और इधर से लेंगे हम 3.5 इंच। ये हमने 10 इंच लिया है, इधर से 3.5 इंच लिया है। यहाँ पर ऊपर से हम लेंगे 6 इंच
यहां से हमने 6 इंच लिया है और इधर से लेंगे हम 5 इंच, एक हम 5 इंच पे लगाएंगे और एक यहां से हम लगाएंगे 1.5 इंच। इस तरह से हम ये दो निशान लगाए हैं। अब हम इनको सबको मिलाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले यहां से और फिर पहले इसको इधर मिलाएंगे और यहां से इसको इधर मिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रिंसेस के निशान लगा लिए हैं। यहां से हमने लिए 6 इंच, इधर से लिया हमने पहले 5 इंच और ये 1.5 इंच है। अब हम हमारे फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। अब ये हमने इसको हमारे फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। अब हम लाइनिंग और फैब्रिक की दोनों की एक साथ कटिंग कर लेंगे इसमें प्रिंसेस कट की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हम हमारी लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग के अंदर हम यहाँ पे इसको रखकर इसको अटैच कर देंगे, इधर भी हम इसको रखकर, और यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। हमें पहले लाइनिंग को अलग से अटैच करनी है और ये जो हमारा फैब्रिक है इसको अलग से अटैच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसके अंदर भी सिलाई लगा दी है, लाइनिंग में भी सिलाई लगा दी है और ये जो हमारा फैब्रिक है इसके अंदर भी हमने अलग से यहाँ पर प्रिंसेस कट की सिलाई लगा दी है। ये देखिए, अब हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए हम ये सीधे हिस्से, दोनों सीधे हिस्से हैं, इनको हम यहाँ पे बीच में रखेंगे इस तरीके से। जैसे हमने बैक हिस्से की करी थी उसी तरीके से हमें फ्रंट हिस्से को भी इसी तरह तैयार करना है। दोनों सीधे हिस्से तो हमारे बीच में आएंगे और ये जो दोनों उल्टे हिस्से हैं ये हमारे ऊपर नीचे आएंगे और इस तरह से रखकर हम इसमें पूरे में सिलाई लगा देंगे। बस ये नेक वाला हिस्सा छोड़ेंगे, बाकी के चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये चारों तरफ ये सिलाई कर दी है। इसके अंदर चारों तरफ हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको फोल्ड करके सीधा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे चारों तरफ, और ये जो हमारी नेक है इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। इसमें इसको सिलाई करके लाइनिंग और फैब्रिक दोनों को अटैच कर देंगे और चारों तरफ फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चारों तरफ फिनिशिंग सिलाई लगा ली है इसके अंदर, और यहाँ पर ये मैंने नेक पर भी इसमें सिलाई करके इन दोनों को अटैच कर दिया है। अब हम दोनों फ्रंट और बैक से दोनों के हम शोल्डर ज्वाइन करके इन दोनों को अटैच करेंगे। हम इनको इस तरह से रखेंगे और दोनों के है ना शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। दोनों के हमें शोल्डर ज्वाइन करके इनको अटैच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसके शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं। दोनों तरफ ही हमने शोल्डर ज्वाइन कर दिया है और ये हमारा आगे और बैक हिस्सा दोनों हिस्से तैयार है। अब हम इसके यहाँ पर नेक पर लगाने के लिए फ्रिल तैयार करेंगे। इसके लिए हमने इसमें से ये बचा हुआ जो फैब्रिक ये लिया है। मैंने पूरे 1 मीटर ली थी फैब्रिक, अब इसमें से ये बचा हुआ फैब्रिक लिया है और मैंने इसको चौकोर शेप में कट कर लिए हैं, 2 पीस कट कर लिए हैं इसके। ये देखिए, जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल के हमें इसको बराबर कर लेना है। इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है और इसके हमें 2 पीस कट करने हैं, 1 पीस ये। इस तरह से हमने ये 2 पीस कट कर लिए हैं। अब हम इसको चौकोर शेप में रखेंगे। इसको दोनों पीस को अलग अलग 4 फोल्ड के अंदर इनको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। हमने ये दोनों पीस 4 फोल्ड कर लिए हैं। हमें इनको बराबर करते हुए दोनों को इसमें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देना है। दोनों पीस को 4 फोल्ड कर दिया है और एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। अब हम हमारी जो ये हमने ब्लाउज बनाया था इसका हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो हम हमारे ब्लाउज को लेंगे और इसको इस तरह से हमारी नेक को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद में हम इसको इस तरह से वापस फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसको एक बार वापस से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम ये इससे हमारे यहाँ पे इसको नापेंगे। नापने पर ये हमारा आएगा 4.5 इंच। तो हम यहाँ पर ये नेक की चौड़ाई लेंगे 4.5 इंच, 4.5 इंच का नेक लेंगे और इधर से भी हम लेंगे 4.5 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर इधर नेक की कटिंग कर दी है दोनों पीस की। अब हम इसे दोनों पीस को अलग अलग कर लेंगे। फ्रिल की लंबाई लेंगे हम यहाँ पर 4 इंच और एक फ्रिल की लंबाई लेंगे हम यहाँ पर 3 इंच। तो हम यहाँ पर एक फ्रिल की लंबाई हम 4 इंच लेते हुए हम इसमें
चारों तरफ 4 इंच पर हम डॉट डॉट निशान लगाते जाएंगे। हम यहाँ पर इसमें 4 फर पर हमने इसमें डॉट डॉट के निशान लगा लिए हैं। आप आपके अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। हमने यहाँ पर इसकी 4 इंच की कटिंग कर ली है और एक फ्रिल की यहाँ पर हम करेंगे कटिंग 3 इंच की। ये यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ये इस तरह से हमने 2 फ्रिल तैयार कर ली है। एक ये 4 इंच की है और एक ये 3 इंच की है। ये इस तरह से 2 हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए, ये बड़ी वाली 4 इंच की है और ये छोटी वाली 3 इंच की है। आप आपके इस अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। हम इन दोनों फ्रिल को इस तरह से रखकर और इन दोनों के ऊपर इसको रख के और 4 दिन में सिलाई लगा देंगे। इस तरह से रखकर और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और इन दोनों फ्रिल को अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों स्लिप्स को यहाँ से सिलाई करके अटैच कर दिया है दोनों तरफ से। ये हमारी छोटी वाली स्लिप से जो 3 इंच की है और ये 4 इंच की है, इन दोनों को हमने अटैच कर दिया है। इसे सिलाई करके और इसको अटैच कर दिया है। अब हम हमारे इसको ब्लाउज के अंदर अटैच करेंगे। ब्लाउज के अंदर अटैच करने के लिए हम इसको ऐसे कैसे रखेंगे और ये जो हमारा ब्लाउज है इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और इसमें यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा दी है। चारों तरफ हमने ये नेक पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसको फोल्ड करके और इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। हमारे इस डिजाइन को नेक में नेक से बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। हम इस तरह से इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। हमारी जो फ्रिल वाली डिजाइन है, हमने इसको ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये बाहर की तरफ निकाल लिया है इस तरह से। अब इस तरह से हम यहाँ पर निकालने के बाद में इसको इस तरह से और फिर यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम एक फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे चारों तरफ हमें पूरी नेक के अंदर। यहाँ पर यहाँ से लेके और यहाँ तक हमें एक इसको बाहर निकाल के और फिर एक इनके ऊपर चारों तरफ फिनिशिंग सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके चारों तरफ फिनिशिंग सिलाई लगा ली है। ये हमारी ये फ्रिल वाली डिजाइन तैयार है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले इसमें यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए एक तरफ हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और एक तरफ हमें यहाँ पर हम चैन लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कंसील ली है जिसको मैं यहाँ पर यहाँ इधर और इधर इधर सिलाई लगा के इसको मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी। हमें ये चैन वाला बना रही हूँ, साइड में चैन वाला ब्लाउज है ये, तो मैं इसमें साइड में ये इस तरह से ये कंसील लेके और इसमें ये लगा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इधर एक तरफ इसमें फिटिंग कर ली है और यहाँ पर हमने इसमें चैन लगा दी है इधर की तरफ हमने दोनों इसमें। अब हम ये जो हमारी फ्रिल है, इस फ्रिल के अंदर हम यहाँ पर इसमें पिको करवाएंगे। दोनों फ्रिल के अंदर इसके अंदर या तो हम पिको करवा लेंगे या फिर आप इसके अंदर इसको नीचे अंदर की तरफ इसको इस तरह से फोल्ड करके और इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इसके अंदर यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी इसमें चारों तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर ये सिलाई कर ली है। ये इधर भी कर ली है और पीछे भी कर ली है, हमने पूरे में ये सिलाई कर ली है। चाहो तो आप इसके अंदर ही पिको भी करवा सकते हो। मैंने यहाँ पर ये सिलाई कर ली है और ये मेरी पूरी रफल ब्लाउज डिजाइन तैयार है। अगर आपको मेरी ये डिजाइन अच्छी लगी, मेरा ब्लाउज डिजाइन अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।